वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। जगह जगह में शिव है, हर जगह में शिव है, वर्तमान शिव है, भविष्य भी शिव है। आज महाशिवरात्रि है, शिव भक्तों का बड़ा दिन कहते हैं। शिव ही शून्य है, शिव ही शाश्वत। आज देश भर में शिव भक्ति की धूम है। ऐसे में शिव की नगरी काशी से खबर आई है। शिव की नगरी काशी जहां दिव्य और भव्य मंदिर है, इसे देखकर सनातनी आत्मविभोर हो जाते हैं। वाराणसी में पीएम मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ में इतना भव्य आयोजन हुआ था कि देखने वालों की आंखों में वो तस्वीर हमेशा के लिए छप गई। और अब एक शिव भक्त ने ऐसा काम किया जिसे दुनिया याद रखेगी। महाशिवरात्रि के दिन भक्तों को एक बड़ी सौगात मिली है। जी हाँ, एक भक्त ने काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 120 किलो सोना गुप्त दान किया है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। जी हाँ, 187 वर्षों के बाद मंदिर के गर्भगृह के अंदर की दीवारों पर सोने की परतें चढ़ाई गई और स्वर्ण परतों के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के अंदर की पीली रोशनी हर किसी को आकर्षित कर रही है। मंदिर में गर्भगृह को सोने से स्वर्ण मंडित कराने का काम लगभग पूरा हो चुका है। दरअसल दक्षिण भारत के एक श्रद्धालु ने अपना नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर मंदिर प्रशासन के साथ मिलकर गर्भगृह में सोना मढ़वाया है। इसके पीछे की बड़ी वजह पीएम मोदी को माना जा रहा है। जी हां, गुप्त दान करने वाला यह शख्स पीएम मोदी से काफी प्रभावित है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि श्रद्धालु ने पीएम नरेंद्र मोदी की माँ हीराबेन की वजन के बराबर सोना दान किया है। महाशिवरात्रि से पहले विश्वनाथ मंदिर का गर्भगृह स्वर्ण जड़ित हो गया है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब काशी विश्वनाथ में पूजा की तो पहली बार गर्भगृह स्वर्ण जड़ित होने की तस्वीर सामने आई। गर्भगृह में पहली बार जलाभिषेक किया, वह खुद भी दीवारों और सीलिंग को देखकर चकित रह गए। बाबा विश्वनाथ की मंदिर की आभा और चमक देखने लायक बन रही है। इस दौरान वहां के अद्भुत और अकल्पनीय कार्य को देखकर उन्होंने खुद इसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि स्वर्ण मंडल से विश्व के नाथ का दरबार एक अलग छवि प्रदर्शित कर रहा है। करीब 10 माह पूर्व एक भक्तों द्वारा मंदिर के अंदर सोने लगवाने की इच्छा जाहिर की गई थी और मंदिर प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद सोना लगवाने के लिए सांचा और माप की तैयारी की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर परिसर के अंदर चारों ओर लगे स्वर्ण के कार्यों को देखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि दीवारों पर उकेरी गई विभिन्न देवताओं की आकृतियां स्वर्ण मंडल के बाद और भी स्पष्ट नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि स्वर्ण मंडन के बाद मंदिर के गर्भगृह की आभा कई गुनी बढ़ गई है। बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1780 में कराया गया था। इसके बाद पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने मंदिर के दो शिखरों को स्वर्ण मंडित करवाया था। तत्कालीन समय में 22.5 मन सोना यहां लगवाया गया था। इसके साथ ही कई बार यहां पे सोना लगवाने को लेकर कार्य तो प्रस्तावित हुआ लेकिन वह सफल नहीं हो पाई थी, जो वर्तमान सरकार में संभव हो पाया। इससे पहले रविवार को पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने कहा कि ये जिंदा शहर बनारस है, परिवारवादी लोग इसे नहीं समझ सकते कि यहां से मुक्ति का मार्ग खुलता है। पीएम मोदी ने कहा, मरते दम तक मैं काशी की सेवा करता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में बताएं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर अपनी राय साझा कीजिएगा। ऐसी तो इन ताजा खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे वीके न्यूज के साथ। देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।